नमस्कार, मैं हूँ रेखा प्रकाश और आप देख रहे हैं रोहतास एक्सप्रेस न्यूज। वरिष्ठ हमारे सभी अभिभावकगण, सभी बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को सुभाषिस। आज मैं यहाँ अपने आप को आके इस मंच पे खड़ी होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और इतिहास गवाह है कि क्षत्रिय ने ही हम स्वर्णों की रक्षा की है। इतिहास गवाह है आपकी भूमिका के कारनामों की हमें क्या गाना है, और वर्तमान में भी आपके कारनामों की इतिहास गवाह हो गया। और मैं चाहूंगी कि आप जो भी हमें स्टैंड मिला है, आरक्षण रूपी स्टैंड, वो आपकी ही सफलता का एक नींव है जो आपने मोदी सरकार से उनसे छीन लिया, उनसे हमें हमारा हक दिला दिया। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सवर्ण के पास सब कुछ है, स्वर्ण भी गरीब होते हैं। आपको एक ट्रेनिंग मिला होगा कि घर में एक माँ अपने बेटे को जहर देके खुद भी मर गई और बेटे को भी मार दिया, क्यों? उनके घर में खाने को नहीं था, इसलिए मुझे वो घटना आज भी याद है। तो सवर्ण में भी गरीब होते हैं, और मोदी सरकार ने ये सवर्ण आरक्षण दिया, 10% दिया, उसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। और आप कर्मी सेना के भाइयों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने स्वर्ण महोत्सव करके जो उनसे मांग किया था मोदी गवर्नमेंट ने उसको पास किया। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय माकरणी, जय भवानी, जय भवानी, जय माकरणी, जय माकरणी, जय भवानी, जगदम्बे भाई राकेश सिंह जी इस कार्यक्रम की संचालन कर रहे हैं। हमारे मित्र भाई मनोज जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, प्रदीप सिंह जी परमाते जी आप आइए, बोले पत्रकार महोदय आइए, अरे आइए ना, अरे अशोक सिंह, अशोक सिंह उसके बाद हमारे लिए बहुत कुछ हमारे संगठन ने उसने राजस्थान में आपको यही पर और टूराना चाहूंगी कि इतिहास गवाह एक आंदोलन का रूप ले चुका था, समाज करनी सेना जिसके लिए आप इसके बाद हमारे समाज को संघौली क्षेत्र में आप राज्य सरकार हो, लेकिन ये पेपर में हो, धरातल पर अभी नहीं है।